नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एपीजे अब्दुल कलाम रक्तदान समिति बड़वानी टीम आज देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब की जयंती के शुभ अवसर पर बड़वानी जिले के ग्राम सिलावद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि 20 रक्तवीरों ने रक्तदान करके एपीजे बड़वानी टीम को ज्वाइन किया और एपीजे अब्दुल कलाम रक्तदान समिति द्वारा बड़वानी ब्लड बैंक को दीवाल घड़ी देकर सम्मान किया गया। इस आधार पर मुख्य तौर पर थैलेसीमिया से कैंसर से पीड़ित मासूम बच्चों के लिए कई सालों से समाज सेवा करने पर एपीजे अब्दुल कलाम रक्तदान समिति के ग्राम परसुद में अमन सामाजिक और सांस्कृतिक मंच इंदौर द्वारा मुख्य अतिथि जूनियर नसुद्दीन शाह उर्फ सैफुद्दीन सलीम शेख साहब इंदौर शौकत अली मंसूरी बड़वानी द्वारा 15 अक्टूबर को कलाम साहब की जयंती पे एपीजे अब्दुल कलाम रक्तदान समिति बड़वानी टीम को सम्मान दिया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे सभी कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मौजूद रहे। एपीजे अब्दुल कलाम रक्तदान समिति बड़वानी टीम सिलावत, आओ मिलकर रक्तदान करें। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। अगर माता पिता, अगर हमने किसी नौकरी वाली जवाई ढूंढा या फिर बहू ढूंढी, हमने शादी के लिए बड़े बड़े परिवार जिसमें 150 बच्चे मेरी टीम ने गोद ले रखे, यानी कि उनके पूरे जीवन भर तक हम ब्लड की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद इमरजेंसी डिलीवरी केस वगैरह जो भी एनीमिया जो भी आता है उन्हें समय पर हम ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। निस्वार्थ डोनेशन होता है जिसमें। अभी कलाम साहब की जयंती के शुभ अवसर पर हमने 250 बच्चे गोद लेने का फैसला निर्णय लिया है, जिसमें पहले 250 बच्चों को गोद लेने का निर्णय लिया है, जिसमें मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको हर 3 दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और एक बहुत बड़ी दुख भरी बात बता दूं, ये बच्चों का जीवन केवल 14 साल से ज्यादा नहीं रहता। मैंने आज तक 14 साल से ज्यादा बच्चों को जीवित नहीं देखा। पूरे बड़वानी जिले में 365 बच्चे आ गए। आखिर ये थैलेसीमिया होता कहाँ से, ये पैदा कहाँ से होता? 475 और सिकल सेल की अगर जानकारी में तुम्हें दो तो 1100 के बाहर होगा। सिकल सेल भी उसी प्रकार की बीमारी है जिनको हर समय ब्लड की आवश्यकता।